मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं कोटा जाता तो शायद मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता। गिनीज आदित्य नाटा एंड आई हैव ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे सिविल इंजीनियरिंग एंड देयरआफ्टर आई हैव अ जॉब एट ओयो रूम्स एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट एंड करेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सर्विस कोर्सेस। कैटलाइजर मैम मैंने 9th क्लास से ज्वाइन किया था। बट इफ यू हैव अ लॉन्ग टर्म टारगेट कि यार ठीक है आगे जेई निकालना है या कोई कॉम्पिटिटिव के लिए प्रेप करना है देन आई गेस इफ यू स्टार्ट फ्रॉम 9th क्लास ऑनवर्ड्स देन इट जस्ट गिव यू अ स्टेप अहेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स या हेड स्टार्ट फ्रॉम एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स बिकॉज वो लोग अभी से स्कूल तक ही स्कूल स्टडीज तक ही लिमिटेड है। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 9th क्लास ऑनवर्ड्स एनी कोचिंग then it's a good thing like you can continue with your school regular school as well in 11th 12th. Catalyzer mein matlab coaching lene ka ye bahut bada benefit mila hai ki kabhi bhi aap demotivate nahi hote ho matlab agar demotivate hote bhi ho and agar aap kabhi manish sir ya girlfriend se baat kar lete ho to apne aap mein ek self motivating मिल जाता है सेल्फ मोटिवेशन आपको मिल जाता है प्रिपरेशन करने के लिए बिकॉज वो अगर लो टाइम आता भी है तो वो कभी ऐसा फील नहीं होता क्योंकि जो कैटलाइजर का एनवायरनमेंट है दैट इज वेरी कंफर्टेबल। तो अगर कभी अप्स एंड डाउन्स आते भी थे तो सर वगैरह से ना कोई भी फैकल्टी से बात कर लो कैटलाइजर में भी तो सभी लोग इतने ज्यादा सपोर्टिव होते थे इतने ज्यादा एनकरेजिंग होते थे कि अपने आप एक बूस्ट मिल जाता था। मतलब प्रॉब्लम्स तो फिर दिमाग में आती ही नहीं थी फिर ऐसा लगता था बस अब करना है मेहनत और निकालना है मतलब फिर वो एनर्जी भी ऐसी हो जाती थी कि अब कैसे नहीं निकलेगा अब करके दिखाएंगे। इलेवेंथ में केवाईपी वाले का इंटरव्यू था एंड दैट वाज काइंड ऑफ वेरी फर्स्ट इंटरव्यू फॉर मी इन माय लाइफ दैट वाज अ वेरी फर्स्ट फॉर्मल इंटरव्यू। सो हाँ मैं काफी एंग्जियस था काफी ज्यादा नर्वस था उस एंड हम लोगों को भोपाल जाना था तो कैटलाइजर मतलब स्टूडेंट्स थे 11th 12th में सब कैटलाइजर की थ्रू गए थे तो उस टाइम मेरे को भी याद है कि गर्ग सर हमारे साथ रुके थे सेंटर में जस्ट सो दैट कि हम लोगों को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम्स ना आए तो वो चीज़ मेरे को काफी अच्छी लगी कि यार अदरवाइज कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को इतना नहीं करता आपके स्टूडेंट्स के लिए कि यार वो एक तो इंदौर से भोपाल लेके भी जा रहे हैं लेकिन यहाँ बड़ी सर्विसेज एंड अकोमोडेशन सर्विसेज और फिर वहाँ पे प्रॉपर आपको सपोर्ट दे रहे हैं। मनी सर का मैम ऐसा है कि मनी सर से कभी भी कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर लो कुछ भी विथ रिलेटेड टू एकेडमिक्स और लाइफ प्रॉब्लम या ऐसा कुछ टेंशन स्ट्रेस हो रहा है तो सर कभी मना नहीं करते भले कितने भी बिजी हो सर थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ मतलब उसका ऐसा सॉल्यूशन बता देते हैं कि अपन मतलब बहुत अच्छा लगता है फिर वो ऐसा होता नहीं कि कभी भी किसी से ऐसा बात करके फील गुड फैक्टर आता है तो मनी सर वैसे को हमेशा रहा है मतलब कि जब मैं जैसे कॉलेज गया था दैट टाइम लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स बनते हैं आपके नए उनसे इंटरेक्शन होता है तो काफी सारे लोग कोटा से आए थे एंड वो जब अपने कोटा के एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो मेरे को एक अलग मतलब एक अलग कॉम्प्लेक्स फील होता था मतलब ऐसा कि डिप्रेसिंग फील होता था काफी बिकॉज उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे फिर जब मैं अपने इससे कंपेयर करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कितने इजीली निकाल लिया है वो फेज बेसिकली 11th 12th की प्रिपरेशन का जो मेरे को ऐसा लगता है अगर मैं कोटा जाता तो शायद मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता अभी इतना कुछ अचीव नहीं कर पाता या जिस जगह मैं अभी हूँ वो नहीं होता अगर मैं कोटा चला जाता तो दो तीन चीजें हैं जो अगर अपन ने 11th 12th में अगर अपन ने ध्यान दे दी तो इट वुड मेक आवर करियर क्वाइट सक्सेसफुल। सो बेसिकली एक है अपना फ्रेंड सर्कल कि आप हमेशा अपने फ्रेंड सर्कल ऐसा रखो कि आपका मिनिमम डिस्ट्रैक्शन हो। दूसरा एक एनवायरनमेंट जो स्टडी एनवायरनमेंट है ये स्टडी एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा क्रेडिट कैटलाइजर को ही दूंगा मानना है क्योंकि वो जो गुरुकुल वाली जो गुरुकुल का कंसेप्ट है कि आप 24/7 कैटलाइजर ओपन रहता है स्टूडेंट के लिए सो यू कैन कम एनी टाइम लाइक आइदर फॉर डाउट सॉल्विंग हॉस्टल स्टडी या ऐसे सर से भी कभी कुछ तो उसके लिए भी अपन आ सकते हैं तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन एंड प्लस आपका जो स्टडी मटेरियल जो क्लासेस वगैरह हैं वो तो नहीं मतलब तो
इस चीज के लिए मैं एक बोलना चाहूंगा सभी को कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड इफ यू आर सीरियस फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो जस्ट मेक श्योर कि हाँ यू हैव फुल फैमिली सपोर्ट, यू हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल एंड एनवायरनमेंट जस्ट लाइक एट एज अ